शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 9 जून दिन गुरुवार को गंगा दशहरा है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यदि हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में यह कार्य कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और माँ गंगा का ही एक रूप लक्ष्मी है। इसलिए यदि हम अपने घर में धन समृद्धि संपदा और खुशहाली चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो फिर हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपको मात्र 5 जगहों पर स्वास्तिक बनाना है अपने घर में और घर के मुख्य द्वार पर आपको यह विशेष उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, आपका जो भी कार्य सफल कराना चाहते हैं आप, आपके जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, 5 स्वास्तिक बनाने हैं। आपको 5 स्वास्तिक ऐसे बनाने हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक बनता है वह एक ही कहलाता है, क्योंकि हमें दोनों तरफ बनाना पड़ता है, इसलिए वह 5 स्वास्तिक मैं आपको बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाना है। मंदिर के ऊपर आप बना दें या फिर अपनी जो पूजा की थाली है उसमें आप स्वास्तिक बना दें। आपको एक स्वास्तिक कुमकुम से वहाँ बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको अपनी रसोई घर में बनाना है, बस ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा वाली दीवार में ना बनाएं। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पर, मतलब जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर आपको बनाना है, जो दरवाजे के बीच सेंटर में आपको वह स्वास्तिक बनाना है। चौथा स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बनाना है, दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं। और पांचवा स्वास्तिक आपको शिव मंदिर में, जो शिव जी की चौखट होती है, शिवलिंग के पास का जो चौखट बनी होती है वहाँ पर चौखट पर, उस चौखट पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अगर आप यह उपाय करते हैं, 5 स्वास्तिक आप बनाते हैं, तो आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा, आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण होगी।